उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को समाधान दिवस में आई शिकायतों का निस्तारण करने को कहा। देवरिया हत्याकांड के बाद जमीन विवाद को लेकर सख्त दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्य समाज के कार्यक्रम में लिया हिस्सा और आर्य समाज के योगदान के बारे में की चर्चा। उन्होंने कहा कि आर्य समाज ने कई क्रांतिकारियों को दिया जन्म। धामपुर के सनातन धर्म सभा शिव मंदिर पंजाबी कॉलोनी से प्रारंभ हुए 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के पहले दिन निकाली गई कलश शोभा यात्रा। बिजनौर में 3 माह से वेतन न मिलने से नाराज डॉक्टर व कर्मचारियों ने की हड़ताल शुरू। ओपीडी बंद कर अस्पताल कैंपस में धरने पर बैठे डॉक्टर व कर्मचारी। ओपीडी बंद होने से सैकड़ों मरीज हुए परेशान। हरियाणा पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए कीमत का सामान भी बरामद किया। धामपुर के प्रियंका मॉडर्न स्कूल में प्रधानाचार्य डीएस नेगी को सीबीएसई रीजनल ऑफिस देहरादून द्वारा सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाने पर स्कूल मैनेजमेंट द्वारा मिठाई खिलाकर दी गई शुभकामनाएं। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित FLCO के EVM VPPAT संरक्षित स्ट्रांग रूम का किया गया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी रहे मौजूद। अमरोहा के आदमपुर में घर में एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला नवविवाहिता का शव। मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के आदमपुर में गोवंश पशु ने एक युवती पर किया हमला। लहूलुहान होकर गिरी युवती को परिजनों ने निजी अस्पताल में कराया भर्ती। चिकित्सक ने किया मृत घोषित। मुरादाबाद संभर रोड पर अंडरपास के निचले हिस्से की मरम्मत के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस रूट को 1 माह के लिए किया बंद। नेशनल हाईवे बाईपास के अंडरपास के नीचे जर्जर हुई सड़क। मुरादाबाद में नगर की कई बड़ी समस्याओं से परेशान शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मेयर और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। शिव सैनिकों ने मेयर विनोद कुमार का फूंका पुतला। संबल में बाइक सवार युवक ने 2 दोस्तों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने बाइक और चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के गजरोला में पत्नी की बीमारी से तंग आकर एक फैक्ट्री कर्मी ने की आत्महत्या। परिजनों के मुताबिक पत्नी की बीमारी व संतान न होने से परेशान था। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल